There are two types of solo cinematographers, one who invests and the one who suffers. मेरे ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार ऑब्वियसली आई चोज द सेकेंड वन. 3 सालों से उस डिसीजन में डटे रहने से मुझे मेन लर्निंग ये मिला है कि लोग वो बोलते हैं ना कि सफरिंग या एडवर्सिटी से तुम्हारा स्किल बढ़ता है. यस दे आर रॉन्ग. उससे तुम्हारी स्किल नहीं मोटिवेशन बढ़ती है. बाप के पैसों पे जिम जाके प्रोडक्टिविटी शो ऑफ करने की मोटिवेशन नहीं, रियल चीजों को यूज करने के पीछे और कौन सी चीज क्यों कब कैसे खरीदना है उसके पीछे का मोटिवेशन. जैसे ये है एक अजीब चीज जो मेनली पेंटिंग जैसे आर्ट में यूज होता है. मेरा मोटिवेशन था कोई भी ऑब्जेक्ट्स, एंगल्स या इंफॉर्मेशन को एक्चुअल मूवी लाइक प्रेजेंट करना, पीपीटी जैसे नहीं. इट्स अ प्लेक्सीग्लास. ये 500 रुपए की ट्रांसपेरेंट चीज एक्चुअली मूवीज में भी यूज होता है. 500 रुपए हटा दो उनके लिए. बट व्हाई दिस? वेल, मूड होने का यूनिक एंगल चाहिए. आई मीन किसी भी चीज का. चीजों को फ्लोट करवाना है, इंफॉर्मेशन रियल सिनेमैटिकली प्रेजेंट करना है. यू गेट द आइडिया राइट? बस यूज करने से पहले 2 चीज याद रखता हूँ. एक तो फ्रीली कहीं पे भी सेटअप करने के लिए थोड़ा देसी दिमाग लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसे, अरे वही जो गवर्नमेंट सिस्टम्स के ऊपर आम आदमियों के ट्रस्ट हो चुका है. फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल. एंड सेकेंड, नेवर यूज परमानेंट मार्कर अगेन. इन 3 सालों में मुझे पता चला है कि जुगाड़ ना 80% ऑफ द टाइम वो प्रोफेशनल क्वालिटी नहीं देता, बट वो 20% की बात ही अलग है. मुझे एक अजीब मोटिवेशन आया था द बैटमैन मूवी देख के. भाई दैट लुक, इफ यू नोटिस यू विल सी कि हर शॉट कैसे खींच के अटेंशन बीच में ला रहा है. दे यूज्ड ऑब्वियसली द कॉम्पोजिशंस एंड सम स्पेशल लेंसेस जो सिर्फ उस कॉर्नर डिस्टॉर्शन लुक के लिए ट्यून किया गया था अलग से, ताकि कॉर्नर्स में वो फॉगी ब्लरी ट्रांसलूसेंट लुक आए. ट्यून स्पेशल लेंसेस, बट अपना तो सो आई स्टार्टेड सफरिंग. देन आई गॉट दैट वन थिंग जिसके लिए कार्डेशियंस पॉपुलर है, प्लास्टिक, जिसे मैंने जुगाड़ करके लेंस के एकदम सामने सेट करने से देखा. वेल, इस ट्यूनर लुक के अलावा भी एक बेस्ट पार्ट है, हम जैसे घरों में भी वाइडर फ्रेम लेने के लिए चीजों को ज्यादा ढकना नहीं पड़ेगा. काइंड ऑफ अ चीट ऑर्डिनरी लोकेशंस को यूनिक दिखाने का. अब जो लोग बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी में सुंदरता नहीं सिर्फ स्टोरी मैटर करते हैं, वो चुप ना, तुम्हारे सिनेमाटोग्राफी देखने के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुम्हारे स्टोरी या एक्चुअल टॉपिक के लिए. स्टोरी तो मैटर करता है ही, बट मेरा सारा पैशन रिलेटेड है ही विजुअल सुंदरता के साथ. अब अपना घर तो चेंज नहीं कर सकता, बट उसे लिट कर सकता हूँ कलर्स. These kind of lights are very popular. इसके पीछे का कारण है रिलायबिलिटी. इस वर्ड को याद रखना. सोलो सिनेमाटोग्राफी में कुछ चीज होता है लग्जरी और कुछ होता है नेसेसिटी. पूरी ऑडियंस अगर बंगाली होती तो मैं दाल चावल और बिरयानी का एग्जाम्पल दे सकता था, बट दीज आर दाल चावल फॉर बजट सिनेमाटोग्राफी. ऑलमोस्ट हर सीन में इसे मैं यूज करता हूँ मूड और अग्लीनेस को कंट्रोल करने के लिए. कोई भी अच्छी ब्रांड इज गुड, बैटरी वाला, क्योंकि मेरे पास एक वायर वाला फ्लैट ट्यूब भी है. बट हर टाइम यही यूज होता है. वाई? इन सारे प्रोसेस में आई फॉल इन लव विथ लाइट्स फिगरेटिवली. एंड सिनेमाटोग्राफी इज ऑलमोस्ट आर्ट डायरेक्शन. सिर्फ उसी लिए मुझे चाहिए था एक और क्रिएटिव लाइट जो छोटा हो, पोर्टेबल हो, बैटरी हो, लैंप के हिसाब से यूज किया जाए बैकग्राउंड में, इंटेंसिटी कंट्रोल्ड हो, सी टाइप चार्जिंग कहीं भी माउंट किया जा सकता है, प्रैक्टिकल्स के हिसाब से कहीं भी यूज हो सकता है, सस्ता. दिस इज जस्ट अ लैंप, टेबल लैंप जो पढ़ने की काम आता है. बट दिस स्पेसिफिक वन इज यूनिक स्पेशली एज प्रैक्टिकल्स एंड रिलायबल. और भी स्टडी लैंप्स हैं, बट ये बंदा फ्री है, कहीं पे भी जा सकता है फुल कंट्रोल कंपोजिशन में. Biggest challenge in solo cinematography. Now something जो बहुत late but single-handedly changed my entire cinematography from 0 to 90. उससे पहले एक magic देखो. मुझे चाहिए ideas मेरे channel के लिए बिना कुछ लिखे, just मेरे channel का link देके. Well this is Tube Magic, the sponsor of this video. Artificial intelligence का kind of scary but
अपने फायदे का टाइम। सोचो मुझे चाहिए वीडियो टाइटल्स, ह्यूमन लाइक वीडियो टाइटल्स, लाइक मी इन माय स्टाइल। कुछ नहीं, बस कोई भी वीडियो का लिंक एंड कीप जनरेटिंग। दिस इज मी ऑलमोस्ट। ये प्लेटफॉर्म कोई भी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर के लिए वरदान हो सकता है अगर सही यूज किया जाए तो। इनके सारे टूल्स का ही सेम ऐसा ही पावर है जैसे दिखाया, चाहे वो वीडियो रिसर्च से लेके पॉपुलर कीवर्ड खोजने से लेके स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्ट को रिसाइज करने से लेके वीडियो टाइटल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन तक सब। दिस इज एक्चुअली ग्रेट फॉर मी आइडिएशंस के लिए मेनली। सिर्फ इसके लिए कंपनीज लोग हायर करते हैं। वेल मैट पर द फाउंडर खुद यूट्यूबर है, मेक मनी मैट चैनल जिसका है, इनका और भी 12 प्लस चैनल्स हैं, सो ही नोज द गेम। बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी ये यूज कर रहे हैं अभी, एंड यस एब्सोल्युटली फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देखो। अपने सिनेमाटोग्राफी काम को लोगों तक पहुँचाना भी है ना। अब पिछले 3 सालों में काफी बार आग चलने के बाद आई फाइनली बॉट अ पोर्टेबल बैटरी से चलता स्मॉल टाइनी फॉग मशीन, जो हर सोलो फिल्म में कई सिनेमाटोग्राफर को कभी ना कभी तो लेना है ही। एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग लिटरली। ये तो कागज इंसेंस जला के भी हो सकता है। अगर आंखें और लंग्स प्यारी हैं और वहां पे बैठ के वीडियो बनाना है तो नहीं। हाउ डज ही नो मैं क्या सोच रहा हूं। आई नो, बच्चे लाने से पहले हर बाप की तरह मैं भी सोचता था कि इसका खर्चा कितना होगा लॉन्ग टर्म। वेल देखो, ये लिक्विड 6 की दाम है 600 रुपीज। मेरे जैसे मेसी और लंबा शूट्स में एक एक बॉटल में मेरा 2 शूट्स निकल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा 50 रुपीज पर शूट। ब्रांड ने भेजा होता तो मुझे इसके लिए 9000 देना नहीं पड़ता। आई नो दिस इज एक्सपेंसिव बट बिलीव मी दिस इज नॉट। एक्चुअली जो बड़े वाले होते हैं उनकी भूख स्टार्ट ही होता है 1000 वाट की बिजली से, और एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले से स्टार्ट करके रखना पड़ता है जो तार से जुड़ा होगा। दिस इज बैटरी, साइलेंट, रिमोट कंट्रोल्ड, अलग अलग टाइप्स एंड स्टाइल्स में फॉग, थोड़ा चिपचिपा, बट वर्ड याद है ना। हम मिडिल क्लास पीछे से 5-5 करके 5 लाख निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट सामने से 5000 नहीं देंगे। यही परवरिश ने मुझे ब्लॉकिंग सिखाई, क्योंकि बिना या कम पैसा खर्च करके वही हो सकता है। सो आई स्टार्टेड गेटिंग प्रॉप्स, छोटे मोटे, दीज आर वो प्रोफेशनली क्या बोलते हैं, फ्रेम में अच्छा लगता है। पता है मैं यही पर्टिकुलर चीजें क्यों सिलेक्ट किया था, क्योंकि 3-4 सालों में मैंने ऐसे फैंसी बहुत कुछ खरीदा है जिनके ऊपर धूल का लेयर हर साल बढ़ता जा रहा है। दीज आर एक्चुअली द थिंग्स आई यूज ऑलमोस्ट एवरी शूट में। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि ये सब एक बजट प्रोडक्शन को, वेल बजट प्रोडक्शन नहीं दिखाता, बट इसलिए भी कि आई रियलाइज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोलो सिनेमाटोग्राफर्स, द वन हु इन्वेस्ट एंड द वन हु थिंक्स देयर इज अनदर टाइप। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर सोलो फिल्म मेकर हो तो यू नीड टू सफर अ लिटिल बिट, अ लॉट, क्योंकि तभी यू विल नो कोई भी चीज खरीदना या इन्वेस्ट करने के टाइम कि कौन सा चीज फैंसी है एंड कौन सा। मार्कर कौन सा दिया था? हाँ वही वाला लॉक कर दो। ठीक है जी, थैंक्स। कलर मिला?